इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते हैं। पाकिस्तान हिंदू प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर मनोहर चांद 80 वर्ष जिंदगी गुजारने के बाद भगवान को प्यारे हो। डॉक्टर मनोहर चांद की तबीयत बिगड़ने पर उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां पर तबीयत न संभलने पर 17 मार्च को भगवान को प्यारे हो गए। हिंदू परम्परा के मुताबिक चिता को आग बेटा देता है। इनके दोनों बेटे अमरीका रहते थे, जिस वजह से 2 दिन लाश को सर्द खाने रखा गया और फिर 19 मार्च बरोज इतवार डॉक्टर मनोहर चांद को समाधि राय बहादुर सर गंगाराम जो कि रावी रोड पर वाकया है, हिंदू अकीदे के मुताबिक तमाम रस्म और रिवाज अदा करने के बाद उनको शमशान घाट ले जाया गया, जो कि बाबू साहब इंटरचेंज के करीब वाकया है, जहां पर डॉक्टर मनोहर चांद के आखिरी दीदार की रस्मात अदा की गई। पैनल को अभी मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले हर मजहब और फिरके के अहदेदार ने शिरकत की, जिनमें सिख मुस्लिम और मसीही मजहब से ताल्लुक रखने वाले हजरात शामिल थे, जिन्होंने हिंदू पंडितों के साथ मिलकर दुआ की, भजन गाए और प्रसाद तकसीम किया और चिता पर लकड़ियां भी जोड़ी गईं, जबकि डॉक्टर मनोहर चांद के छोटे बेटे सुनील मनोहर ने पवित्र अग्नि से अपने पिता श्री मनोहर चांद की चिता को आग दी और मीडिया को बताया कि मेरे पिता श्री पाकिस्तान में अखिलती अमूर पर काम करते थे, उन्होंने पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के लिए ला तादाद काम किए हैं और इस उम्र में भी जदोजहद का सिलसिला जारी रखा था, हुकूमत पाकिस्तान के ताउन के साथ मंदिरों और गुरुद्वारों के हकूक पर भरपूर काम किया, मुल्क पाकिस्तान में दिवाली होली और दिगर त्योहारों को जारी रखा, बल्कि आज जिस शमशान घाट में उनकी चिता को जलाया जा रहा है ये भी मेरे पिताश्री की कावश का नतीजा है। पाकिस्तान में बसने वाले हिंदुओं और सिखों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर करवाई ताकि इनको पाकिस्तान में रहते हुए किसी किस्म की सहूलियात की कमी ना हो।